हमारे पास एक मिरर है जिससे ऑब्जेक्ट की हमारे पास कुछ मान लो यहाँ पर इमेज बनती है, और अब हम एक काम करने वाले हैं, हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, बीच में से मिरर को यहाँ से इस तरीके से तोड़ देंगे। तो अब हमारे पास एक की जगह दो मिरर है, तो क्या हमारे पास अब दो इमेजेस बनेंगी? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर से देखो रेज जाएंगी और मिरर का जो ये पार्ट है, आप इसको इस तरीके से समझो, इस पार्ट को थोड़ी पता है कि हमने यहाँ से काट दिया, तो ये तो पहले भी जिस तरीके से रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा था, बाद में भी उसी तरीके से रेस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये वाला पार्ट तो वही इमेज बनाता रहेगा, ये वाला पार्ट भी इसी तरीके से यही इमेज बनाता रहेगा। तो भले ये दो अब अलग अलग कांच के टुकड़े हैं, लेकिन इमेज ये सेम जगह पे ही बना रहे होंगे। इसको समझने का और एक तरीका है, ये दोनों भले अलग अलग कांच के टुकड़े हैं, लेकिन ये दोनों एक ही स्फीयर का पार्ट है, जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास होता है उनका सर्किल। तो इसीलिए ये दोनों इस तरीके से बिहेव करते हैं कि ये सेम मिरर है, दो अलग अलग मिरर्स नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी कि यहाँ से कुछ रेज जो पहले रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती थी, वो अब रेज आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने मिरर का टुकड़ा गायब कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख के बैठे होते जिस पर हम इमेज को कलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें अब कुछ रेज कम आएंगी, तो इमेज की लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना सही हमारे पास चेंज आता है, और कोई चेंज आता नहीं है। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। मान लो इस मिरर को मैं बीच में से यहाँ से काट दूँ और उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव कर दूँ, तो क्या होगा? देखो, हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। हमने इस मिरर को बीच में से काट दिया, इस वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर मूव कर दिया, कितना? 2 मिलीमीटर। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया, कितना? 2 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट हमारी वहीं की वहीं रखी हुई है। हुआ क्या यहाँ पर? यहाँ पर अब इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो ये अब जो इमेज बनाएगा वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से इमेज बनाएगा। ये वाला जो मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। अब ये दोनों अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दोनों के दोनों अलग अलग मिरर की तरह काम करने वाले हैं। कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा? पहले क्या था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई थी, उसके कारण इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनती थी। इस बार अब ये जो छोटू सा मिरर है उसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और उससे हमारी ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर कहीं इस तरीके से हमारी बनने वाली है। तो उसको मैं बना देता हूँ। एक्चुअली एफ़ की वैल्यू 20 है ना, तो हम ले लेते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि यू की वैल्यू थी -30 cm, तो हमारी इमेज वी की वैल्यू आ जाती है -60 cm। बहुत ही कन्वीनियंट हो गया ये। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, और नीचे वाले मिरर से आप देखोगे तो वो इमेज बना देगा यहाँ पे कहीं पे, ऊपर ये यहीं पे इमेज बन रही थी। हो गया ये सिंपल। तो हमें क्या देखना है, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग इमेजेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो हमारे को ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस हमें पता है 2 mm + 2 mm। अगर हम ये डिस्टेंस पता कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा ये जो, आप इसको ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट, अब ये नई वाली ऑब्जेक्ट बन गई ऐसा एरो, तो इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पे बन रही है इस तरीके से। अगर ये वाली हाइट थी 2 मिलीमीटर, एक्चुअली 2 मिलीमीटर नहीं है, हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है, तो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो इसकी हाइट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाती है -V/U (HO), यानी कि -2 × -2 यानी कि +4। तो ये वाली आ जाती है हमारी 4 मिलीमीटर, हमारे पास हाइट आ जाती है। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये वाली हाइट आ जाती है हमारी, ये भी आ जाती है 4 मिलीमीटर, और टोटल डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ जाता है 4 + 4 + 4 यानी कि 12 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। इसका आंसर हम लिख देते हैं 12 मिलीमीटर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे को ना एक सवाल उठ रहा था कि वो सवाल क्या है कि क्यों हमने प्रिंसिपल एक्सिस इसको लिया? हम इसको ऐसा भी तो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते थे जो इस मिरर के मिड पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा हो, मान लो कुछ ऐसे जा रहा होता, तो ले सकते थे। उस प्रिंसिपल एक्सिस को लेकर के भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो भी इमेज यहीं बनने वाली है ना, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन सॉल्व करना, और हम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा चूज़ करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, तो इसीलिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस से रखा। आप कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस रखो, जब तक रेस पैरेक्शियल हैं इमेजेस सेम बनेंगी, इमेजेस वहीं के वहीं बनने वाली हैं, कहीं और नहीं बनेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ पे मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं।
कहाँ पे होती है? bit.ly/bombphysics पे। और ये होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आप ITJEE, नीट, CBSE, फाउंडेशन, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। काफ़ी सारे बैचेस हर महीने लॉन्च होते हैं, नए नए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जिनसे आप डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो मिलते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अभी के अभी फ्री प्लान अनलॉक करो, थोड़ी सी चीज़ें ट्राई आउट करो। मिलते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। बाय।